हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज़ एकदम क्लियरली आ रही है। हाय शान, हाय चहल, चहत सॉरी, हाय नारायण, हाय युक्ता ठाकुर, गुड मॉर्निंग। यस, तो आप लोगों को बता देते हैं सर एंड मैम कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बहुत करीब आ चुका है। एंड मैं ये चीज़ इसलिए एहसास दिला रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो अभी भी इस डिल्यूजन में हैं कि उनको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, राइट? एंड करना भी है या नहीं। जैसे कल ही कुछ बच्चे में से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारी तैयारी अभी हुई नहीं है एज सच, तो क्या हमें अभी एग्जामिनेशन जो है वो देना चाहिए इस साल का, या हमें जो है ब्रेक ले लेना चाहिए? तो सर ऑनेस्टली बताते हैं, ऐसी फीलिंग जो है वो उस व्यक्ति को भी आ रही है जिस व्यक्ति ने साल भर तैयारी कर रखी है, उसको तो आएगी आएगी जिसने तैयारी नहीं करी। बट इन चीजों को ओवरकम करने के लिए अभी भी ऊपर वाले ने आपको समय दिया है। इस टाइम पीरियड को आप ओवरकम कर सकते हो कैसे? इस एंजाइटी को आप ओवरकम कर सकते हो कैसे? आप इसको जो है ओवरकम कर सकते हो जैसे ही आप प्रिपेयर करोगे, मेहनत करोगे, स्ट्रीमलाइन तरीके से सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है? लाइक एवरी अनदर डे आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन टेलीग्राम जहां पर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें जो है इस सब्जेक्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या पढ़ना है ये पता नहीं चल रहा है। सभी चीजों का बहुत सिंपल तरीका है, सिलेबस देखो, उसके बाद पिछले 5 साल के PYQs आप लगाएं। हाउएवर, जैसा कि आपको पता है, अगर हम क्लैट की बात करें तो 2020 के बाद पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2020, 21, 22 एंड 23, ये 4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए। आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिर सवाल जो है वो आपसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। उन चीजों को जो है आप जल्द से जल्द कैटर करने की कोशिश करिए और उस हिसाब से अपनी अगर आप स्ट्रेटेजी यहाँ पर स्टैब्लिश कर लेते हो, दैट वुड बी इन द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम को निकाल पाओगे, ठीक है? चलिए अब आते हैं जी आगे और यहाँ पर देखते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ जो कि अभी सबसे बड़ा इशू हमारी दुनिया में चल रहा है, सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहा है वो है इजराइल और गाजा के बीच चल रहा वॉर। जी हाँ, तो गाजा स्ट्रिप पे जो हमास और इजराइल के बीच चल रहा ये वॉर है, उसमें अभी अभी इजराइल जो है उसके द्वारा और ज्यादा जो है अटैक किए जा रहे हैं, ऐसा गाजा का कहना है। गाजा ने कहा है कि पिछले एक दिन में, केवल एक दिन के अंदर हमारे यहाँ 700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रखी है, ठीक है? 700 से ज्यादा लोगों की। हाय वैभव, हाय शिवानी, कैसे हैं आप लोग? तो ये दिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार से जो है इसराइल ने ये ठान रखी है कि अब उसको पूरी तरह से हमास को जो है वो तबाह कर देना है, एंड इसीलिए बार बार अलग अलग स्टेप्स उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो चीज है कि कुछ आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो अबाउट आयरन डोम, यू शुड नो अबाउट आयरन बीम, एंड रिसेंटली जो है आयरन स्टिंग जो है वो भी डिप्लॉय किया गया है बाय इसराइल। तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? आयरन डोम आपको पता ही है, ये मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम है इसराइल का सबसे बड़ा, जिसको हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं। तभी जब भी आप देखते होंगे कि एक मिसाइल जो है वो ऊपर की तरफ आसमान में जैसे ही आती है इसराइल की तरफ, तो इसराइल की एक डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जो है वो जाती है और उसको इंटरसेप्ट करती है। तो इस तरीके से आसमान में ही जो मिसाइल्स हैं वो ब्लास्ट हो रही होती हैं, राइट? तो ये जो है आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आयरन डोम काम करता है। हाउएवर, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इवन जो यूएन एड है उन्होंने कहा है कि हम हमारे पास ना फ्यूल है ना यहाँ पे पानी मिल रहा है, तो हम कैसे लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि इसराइल जो है वो पूरी तरह से तय करके बैठा हुआ है कि अब उसको हमास को पूरी तरह से तबाह जो है वो करना है, ठीक है जी? तो आप ये एक इंफॉर्मेशन जरूर यहाँ पर देखें। एंड यस, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पोलिटिकल इंटरव्यूज एवर टेकन। जी, राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया है किसका? राहुल गांधी जी इंटरव्यू ले रहे हैं गवर्नर सत्यपाल का। जी हाँ, गवर्नर सत्यपाल जी ये जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और इनका इंटरव्यू राहुल गांधी जी ने लिया है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरव्यूज जो कि आज
हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में लिया गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको जरूर देखिएगा अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी पॉलिटिक्स में है तो। इसके अलावा अगली जो न्यूज है वो बता रही है कि एनसीईआरटी का एक पैनल था, उसने सजेस्ट किया है कि एनसीईआरटी किताबों में जहां जहां इंडिया लिखा हुआ है उसको जो है हम भारत से रिप्लेस कर दें। हाउएवर इस पे ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा एतराज जो है वो अभी जताया है, बट यहाँ पर जब एतराज जताया गया है तो एनसीईआरटी के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो एतराज आप जता रहे हैं बहुत ही ज्यादा प्रीमेच्योर है। कहने का मतलब कि अभी तो हमने इस पे कुछ वार्तालाप करी ही नहीं है, इट इज जस्ट अ मियर सजेशन जो कि एक पैनल के द्वारा दिया गया है, एंड इस पे अभी बात करने का तो बनता ही नहीं है, बिकॉज वी नीड टू थिंक ओवर दिस कि क्या ऐसा जो है पैनल के द्वारा कहा गया इसको मानना भी जरूरी है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखने को मिल रही है पॉलिटिकल, तो आप इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं। वाइफ कांट बी फोर्स टू वर्क जस्ट, यस ये आप देख सकते हो, वाइफ कांट बी फोर्स जस्ट बिकॉज शी हैज अ डिग्री। तो बेसिकली अगर वाइफ जो है वो आपकी ग्रेजुएट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फोर्स करेंगे कि आप जाकर काम करिए। ये जो है अभी अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है। ठीक है, सो यू कैन रीड अबाउट दिस। नैन एम्बेसी कंफर्म्स डेथ ऑफ स्विस वुमन इन दिल्ली, पुलिस टू कंडक्ट डीएनए टेस्ट। हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एडिटोरियल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर अभी जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसने बताया है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है इन लेबर फोर्स। तो इसलिए मैंने जैसा कि आपको बताया, तब आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इस हिसाब से देखने को मिलेंगे, और उन्हीं लाइंस पे यहाँ पर आपको देख सकते हो आप एक आर्टिकल ये देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आप आगे आओगे तो देर इज अनदर आर्टिकल जो कि जेंडर गैप अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है, एंड ये दोनों ही आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो आई बिलीव एंड अज्यूम कि आप इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल को शुरू करते हैं, विमेन मैरिज एंड लेबर पार्टिसिपेशन, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली हुआ क्या है, धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको ये चीज इन डेप्थ समझ में आए। अभी अभी ये हुआ है कि हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तेजी से बढ़ा है इन लेबर फोर्स, लेकिन अभी यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है कि जो हम ये कनेक्शन बना रहे हैं बिटवीन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो इसके बीच एक पूरी की पूरी स्टडी करके यहाँ पर आपको पोर्ट्रे किया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट तो बेटर होता ही होता है महिलाओं का, बट साथ ही साथ उनको जो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी उनकी मार्केट अपने घरों में बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम छोटी सी स्कीम का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, तो मनरेगा में क्या होता है, सब मनरेगा में महिलाओं को काम करने के बाद पैसा मिलता है। महिलाएं जो हैं ज्यादातर उसमें विमेन होती हैं तो उनको पैसा मिलता है। जैसे ही पैसा मिलता है तो उनका जो उनके हाउस होल्ड डिसीजन हैं उसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हैं, अब वो अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करा सकती हैं, अब वो अपने घर के बुजुर्गों के लिए अच्छा और घर के बच्चों के लिए अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जो है वो ला सकती हैं। तो जब ये सारी चीजें करी जाएंगी तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, राइट? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि देर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट एंड इसकी वजह से महिलाओं की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है इंटर हाउस होल्ड सब सिस्टम में, बट इसके बावजूद देर आर स्टिल लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मेन। अभी भी बहुत डिफरेंस है महिलाओं में और पुरुषों में। वो किस चीज से रिलेटेड, अबाउट व्हाट दे डू, हाउ दे आर रेम्यूनरेटेड एंड सो ऑन, कि वो क्या करते हैं और कैसे उनको जो है रेम्यूनरेशन दिया जाता है, इसके बीच अभी बहुत वास्ट डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये किसने कहा है, ये कहा गया है क्लॉडिया गोल्डन के द्वारा। और ये क्लॉडिया गोल्डन कौन है? सर क्लॉडिया गोल्डन गोल्डन जो है ये एक महिला है जिनको इस साल इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। और ये जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है ये किस चीज के लिए दिया गया है,
फॉर हैविंग एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। यानी इन्होंने महिलाओं के पार्टिसिपेशन से जो लेबर आउटकम हो सकता है उसको उसको जो है यहाँ पर एनालाइज किया है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि ये आर्टिकल जो है वो किस पे बेस्ड है। तो ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड है अपॉन द स्टडी जो कि क्लॉडिया गोल्डन जी के द्वारा की गई थी। और क्लॉडिया गोल्डन जो है वो इस साल जो है इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज जो है वो यहाँ पर पाया। ठीक है, चलो। सो गोल्डन की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ये बताती है कि किस प्रकार से महिलाओं का हिस्ट्री रहा है, प्रेजेंट इनसाइट क्या है, जेंडर डिस्पेरिटी किस प्रकार की, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले दे हैव टॉक्ड अबाउट द डेटा। शुरुआत जो है वो करी गई है विद द डेटा। डेटा के हिसाब से ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के 2022 के एस्टिमेट्स आए हैं जो हमको ये बताते हैं कि 47.3% महिलाएं जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन टोटैलिटी जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 47.3% महिलाएं जो हैं वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड डिस्पाइट द रिमार्केबल एडवांसमेंट, इतना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, इसके बावजूद देर इज अ डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री। कह रहे हैं ग्लोबली तो इंक्रीज हुआ है, ग्लोबली हमको दिख रहा है कि हाँ पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट अगर हम केवल और केवल डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस जो है वो धीरे 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 पार्टिसिपेशन जो है वो डिक्लाइन ही हुआ है, बढ़ा नहीं। ये एस्टिमेट्स बताते हैं अगर इंडिया की बात की जाए तो 1990 में अप्रोक्सीमेटली 28% महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करती थी, बट 2022 में केवल और केवल 24% जो है वो इंडियन फीमेल का पार्टिसिपेशन रह गया है। तो देर इज अ डिक्लाइन। अब कह रहे हैं ये जो डिक्लाइन है इससे ऑब्वियसली ग्रोथ को तो हानि पहुंचेगी ही, बल्कि उन महिलाओं की मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव कर पाने की, खुद की अपनी खुद की मैक्सिमम क्षमता को अचीव कर पाने की जो ताकत है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिस्ट गोल्डन की। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है गोल्डन, इन्होंने हाईलाइट किया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो पूरा का पूरा पैटर्न रहा है वो यू शेप्ड रहा है। यू शेप्ड मतलब पहले जितना था उससे धीरे 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 डिक्लाइन हुआ है और उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो पहले लेवल्स थे उससे तो यहाँ पर ये कम ही देखने को मिला है, इतना ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। सो इनिशियल डिक्लाइन जो है ये किस वजह से होता है? इनिशियल डिक्लाइन इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले प्रोडक्शन पे फोकस करते थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे, फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। तो जो हाउसहोल्ड का पूरा शिफ्ट है वो आपको इस वजह से देखने को मिला है। उसके बाद फैमिली फार्म से स्मॉल बिजनेस और स्मॉल बिजनेस से और भी वाइडर मार्केट की तरफ बढ़े हैं, तो इस वजह से इनकम भी बढ़ी। एंड जब घर की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि घर की जो महिलाएं हैं उनको बोलो कि मत काम करें, वो घर के कामों में हाथ बटाएं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बट द इनकम इफेक्ट वीकेंस कुछ समय बाद, जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंक्रीज होती है थोड़े समय बाद ये रियलाइज होता है यार इनकम जो है वो एक्चुअली में उतनी भी ज्यादा नहीं है। तो फिर ये जो इनकम इफेक्ट है ये धीरे धीरे जो है वो क्या करने लगता है, वीकन होने लगता है। एंड देयर फोर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रेंथन्स एट द सेम पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं आगे। इस चीजों की वजह से बेसिकली होता क्या है, द इशू इज मेड कंसिडरेबली डायर व्हेन अ मैरिड वुमन एक्सप्रेसेस कि वो जो है काम करने जाना चाहती हैं। अगर एक महिला है जिनकी शादी हो चुकी है वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो काम करना चाहती हैं, तो उस जगह जो है सबसे बड़े यहाँ पर इश्यूज आते हैं। सबसे पहला इश्यू जो आता है वो ये है कि जो महिला जिनकी शादी हो चुकी होती है एट टाइम्स उनकी शादी जो है वो उस उम्र में करा दी जाती है जो कि बहुत ही अर्ली एज होती है। चूंकि अर्ली एज होती है इस वजह से वो एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं पूरी तरह से कर पाते हैं, यानी पूरी एजुकेशन जितनी होनी चाहिए थी, कॉलेज पढ़ना, अच्छी डिग्री लेना, वो शायद पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है सबसे पहला इशू हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा
सर मोबिलिटी से जुड़े इश्यूज होते हैं। मोबिलिटी यानी कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर शादी करके चले जाते हो, उसके बाद आप जॉब के लिए जो मेजर जहां पर आप किया करते थे या जहां आप करना चाहते हो वहां पर आप नहीं आ पाते हो क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती। ठीक है, साथ ही साथ जो सोसाइटी है एट टाइम्स वो डिसअप्रूव करती है महिलाओं का काम करना, और राधा सोसाइटी अप्रूव ये करती है कि महिलाओं को जो है डोमेस्टिक स्फीयर में रह के घर के काम जो है वो करने चाहिए। ठीक है, और ये सभी चीजें किस चीज से और एम्पलीफाई हो जाती हैं? सर ये और एम्पलीफाई हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन जो शादी के बाद महिलाओं को फुलफिल करने पड़ते हैं। महिलाओं को शादी के बाद ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने पड़ते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिमिनिश्ड लेबर वर्कफोर्स ऑफ मैरिड वुमेन और देयर प्रोक्लिविटी टू एग्जिट द लेबर फील्ड आफ्टर मैरिज। इनमें क्या क्या है? द लेबर मार्केट एंट्री ऑफ वुमन, द लेबर मार्केट एंट्री ऑफ वुमन इज इंफ्लुएंस्ड बाय अ रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी फैक्टर्स, जो कि अल्टीमेटली शादी की हुई महिलाएं यानी कि शादीशुदा महिलाओं को थोड़ा सा ग्रेटर इंपैक्ट पड़ता है इन कनेक्शन टू द अनमैरिड काउंटर पार्ट्स। तो जो अनमैरिड काउंटर पार्ट्स हैं उनको फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि एक शादीशुदा महिला को पड़ता है, और उनको जॉब करने से रोका जाता है। सेवरल वेरिएबल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू लिमिटेड लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, सच एज रिलीजियस एंड कास्ट अफिलियेशंस। नहीं है कि भाई महिला को बाहर जाके काम करना चाहिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ऐसी चीज अलाउ नहीं करी जाती है। घर में खुद इतनी वेल्थ है कि आवश्यकता क्या है बाहर जाके काम करने की? या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो महिलाओं को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं काम करने के लिए? तो ये सारे जो हैं आपको मेजर फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन द लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि क्या मेजर चैलेंजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इन टोटैलिटी आपको ये समझना है अभी पहले कि यहां पर किस चीज के बारे में और अदर क्या फैक्टर्स हैं जो आपको यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर चैलेंजेस। अदर चैलेंजेस की बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि जब शादी होती है उसके बाद क्या चीजें होती हैं, बट इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर एक महिला जो शादी के बाद प्रोफेशनल करियर को रिज्यूम करना चाहती है तो दे टेंड टू एग्जिबिट अ प्रेफरेंस फॉर सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर रेसिडेंस। कि अगर शादी के बाद जो महिला काम करना चाहती हैं वो सबसे पहले अपना एक खुद का जो है विचार ये रखती हैं कि जो ये काम होगा वो एक स्पेसिफिक प्रकार का ही काम होगा, यानी उनका खुद का एक प्रेफरेंस होता है। एंड साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो ये काम उनको मिलेगा वो उनके घर के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। घर के पास होगा तो फिर ये चीज जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी मतलब बच्चे यहाँ पे लिखा है ना, प्रोक्लिविटी इज टू बेसिकली द डिजायर टू चूज समथिंग या इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चूजिंग समथिंग। सर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? शमशेरा बच्चे, मैंने इसके लिए सेशंस ले रखे हैं, फिर से बता देता हूँ, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपने मॉक्स दे रखे हैं, लेट सपोज आपने 30-40 मॉक्स दे रखे हैं, उन 30-40 मॉक्स में हर एक मॉक में 5 से 6 आपको पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो वो जो 5 से 6 पैराग्राफ्स हैं उनको आप टॉपिक टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करो, क्या टॉपिक है जिस पे सवाल पूछे गए हैं, जिस पे ये पैराग्राफ आया है। इस तरीके से आप एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करो पहले। फिर एक बारी आपके सारे टॉपिक्स जब कवर हो जाते हैं उनको आप बैकवर्ड लिंकेज के साथ साथ जो है चीजें कर लेते हो, फिर आप फोकस करोगे किस चीज पे? आप फोकस करोगे जो मैगजीन्स आती है कंपाइलेशन। फिर मैगजीन्स में से आप देखो कौन से वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए क्या वो चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इन चीजों को जब आपने एक बारी असेस कर लिया तो फिर डेफिनेटली आपको जो है
एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 टॉपिक्स की, और ये 80 to 100 टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है एज ऑफ नाउ, क्योंकि समय कम है, आप पूरी की पूरी मैगजीन्स पढ़ने के लिए नहीं जा सकते और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी की पूरी मैगजीन्स पढ़िए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो कह रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो अपर स्ट्रेटा की वुमन है, अपर स्ट्रेटा की, वो सोसाइटल नॉर्म से जो है जुड़कर चलती हैं। अपर स्ट्रेटा मतलब जिनके पास ज्यादा जो है वेल्थ है वगैरह वगैरह, वो बाहर जाकर काम करने में उतना ज्यादा जो है फोकस नहीं करती हैं, बल्कि रादर डोमेस्टिक रोल्स जो हैं उसको ही ये संभालती हैं। वेरेस जो विमेन लोअर स्ट्रेटा को बिलोंग करती हैं, सर आप जो मॉक्स बताए थे मैं बहुत कोशिश किए नहीं मिला। कौन से मॉक्स नहीं मिले बच्चे? मॉक्स अनअकैडमी के पोर्टल पे आप देख सकते हो, मॉक्स आप किसी और कोचिंग के देख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। वो तो उसमें मिलना क्या है, वो तो एक्सेसिबल है ना। मिलना मतलब होता है फॉर समथिंग यू हैव टू सर्च, सर्च करने जैसा कुछ है नहीं, यू पे फॉर इट यू गेट इट, सिंपल एज दैट। शिवानी सर जो आपने टॉपिक्स बताए वो सफिशियंट है? शिवानी मैंने आपको बता रखा है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपका फर्स्ट लेवल हो गया प्रिपरेशन का, कम से कम उनको तो करना ही करना है, बेसिक है एकदम। फिर उन टॉपिक्स के साथ साथ आपको मॉक्स से टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, इतना अगर आप कर लेते हो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है जी, तो यहां कह रहे हैं कि जो अपर स्ट्रेटा विमेन है वो तो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको मान लेती हैं और फिर डोमेस्टिक रोल्स में ही अपना जो है जीवन व्यतीत कर देती हैं, लेकिन जो विमेन लोअर स्ट्रेटा की है वो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है, वो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स व्हाट सर? इंक्लाइंड है टुवर्ड्स एंगेजिंग इन द लेबर मार्केट। एंड ये प्राइमरीली क्यों ड्रिवन है सर? ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि उनको जो है पावर्टी से निकलना है। वो लोअर स्ट्रेटा को बिलोंग करती हैं तो वो भी हाथ बटाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया जा सके। अब बात करते हैं फर्दर मोर, मैरिड वुमेन जो है इनके अंदर लोअर लेवल्स जो है वो दिखने को मिले हैं पार्टिसिपेशन के लिए इन कंपैरिजन टू द अनमैरिड काउंटर पार्ट। अगर अनमैरिड काउंटर पार्ट हैं तो वो चाहती हैं कि हाँ वो जॉब करे, वेरियस जो मैरिड वुमेन है, जो मैरिड वुमेन है वो थोड़ा सा कम अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं जॉब्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा। सर एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन द रेट ऑफ मैरिड वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द लेबर फोर्स शोज दैट वुमेन लैकिंग लिटरेसी स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट अ ग्रेटर इंक्लिनेशन टू पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स आफ्टर गेटिंग मैरिड एज अपोज टू देयर वेल एजुकेटेड काउंटर पार्ट। यानी अगर एक महिला है जिन्होंने अच्छी जो है पढ़ाई कर रखी है और फिर उनकी शादी हुई है, तो वो जॉब करने में उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हैं और ना ही वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वेरैज जब हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि कम पढ़ाई करी हुई हैं, वो महिलाएं ज्यादा जो है पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं इन जॉब्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नई चीज है, आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि ऐसा हम अज्यूम वैसे तो नहीं करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जॉब करेंगे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं देखा गया है। अगला सर, एम्पेरिकल एनालिसिस ये बताता है कि फीमेल लेबर अक्रॉस द डाइवर्स इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल रिमेन्स द प्रिवेलिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट। आज भी एग्रीकल्चर जो है ये सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग सेक्टर है जिसमें महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तभी आपने सुना होगा कि एक टर्म बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, एंड दैट वाज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए अब पूछ रहे हैं कि सर इसका सलूशन क्या होगा फिर? तो सॉल्यूशन यहाँ पर जो बताया गया है उससे पहले ये कहा गया है कि हमने ये पाया कि जो आ, आ, जो मैरिड वुमेन है वो लोएस्ट लेवल ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की तरफ इंटरेस्ट दिखाती हैं इन कंपैरिजन टू जो महिलाएं विडोड हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं या फिर अनमैरिड वुमेन हैं, अनमैरिड। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा होता है।
तो कह रहे हैं सबसे बड़ा अगर हमको सोल्यूशन चाहिए तो वो ये चाहिए कि ये मैरिड वुमेन जो है जो चाहती हैं जॉब करना उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन ये जो मैरिड वुमेन जॉब करना चाहती हैं इनको ये अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब करनी है तो उसके लिए उनको आपको कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द दो सोल्यूशंस? तो बोल रहे हैं सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा इज दैट क्रश फैसिलिटी जो है वो आप क्रिएट करें। क्रश फैसिलिटी, व्हाट इज क्रश? क्रेच बेसिकली क्या होता है आपने देखा होगा, जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो बच्चा पालना घर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। कि अब जब महिलाएं शादीशुदा होती हैं तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो कह रहे हैं अगर आपने क्रेच फैसिलिटी जो है वो अच्छी बना दी और उसको जो है इम्प्रूव किया, देन डेफिनेटली हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आगे जाके महिलाएं जो है अपने बच्चों को अच्छे चाइल्ड केयर में जो है छोड़ के जाएंगी और जिसकी मदद से वो जो है फ्रीली काम कर सकती है। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? यस, गवर्नमेंट ने नेशनल क्रेच स्कीम जो है वो बनाई है, बट स्टिल इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा उतना ज्यादा एक्टिव और मिशन मोड पे नहीं है, तो वो हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेकेंडली कह रहे हैं सर मोबिलिटी के लिए अगर हम महिलाओं के लिए कुछ कर दें तो वो बहुत बेहतर होगा। मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर हम सिक्योर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली महिलाएं जो हैं वो सिक्योरली आगे आकर पार्टिसिपेट कर पाएंगी इन लेबर फोर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किसी बच्चे को अगर यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये जो कि कह रहा है अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। जी डन है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। यहां पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। जी तो बेसिकली इस आर्टिकल में आपको ये समझाया जा रहा है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है, आई रिपीट, इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन बनने जा रही है। एंड जब जब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की, अच्छा ऐड आ गया, ठीक है जल्दी से देख लो फिर हम, ठीक है आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, ऐड कर लो क्लियर।
हो गया ऐड खत्म। चलिए तो अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, जहां पर हम बात कर रहे हैं अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। यहां पर बेसिकली बात ये हो रही है कि इंडिया जो है उसके पास सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पीपल इन दी वर्ल्ड है। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ सर? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दी अर्बन इंडियन पीपल। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। एंड जब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की, जब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है सर? हम सभी गांव क्यों जाना चाहते हैं, या हमेशा क्यों कहते हैं कि हमें गांव जाना है? क्योंकि वहां की हाव हवा जो है वो बहुत अच्छी होती है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहां पे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है, वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं होता है, वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिलता है, वहां पे इतने ज्यादा हैवी टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो नहीं होते हैं, मेटल्स जो है वो नहीं होते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के बारे में भी सोचें। तो जब अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की बात की जाती है, तो कहते हैं कि ये लोग जो हैं कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, एयर पोल्यूशन बहुत है, ग्रीनरी की बहुत ज्यादा कमी है, पार्क्स यहाँ पर होते नहीं है, रोड साइड पेवमेंट्स जो हैं वो उतने ज्यादा होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर जो होते भी हैं तो हॉकर्स जो हैं वो अपनी शॉप्स लगाकर बैठे होते हैं, फुटपाथ देखने को मिलता नहीं। अब इन सभी कारणों की वजह से लोग जो है मोबिलिटी के लिए भी कार्स, बाइक्स, इन सब पे डिपेंड करते हैं। एंड अर्बन एरियाज में चूंकि जो अल्टीमेटली एक्सेस टू गुड फूड है वो इतना ज्यादा है कि लोग बैठे बैठे खा रहे हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी वो जॉब्स जहां पर करते हैं वो एकदम सेडेंट्री है, आपको जो है चेयर पे बैठना है पूरे पूरे दिन। तो चूंकि ये लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री है, चूंकि ये लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट? एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। एंड चूंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, दौड़ना भागना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कैलोरीज बकायदा आप खा पा रहे हो, आप डोमिनोज का बर्गर खा रहे हो, डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो इन सभी चीजों की वजह से हमारे जो शरीर है इसमें इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज सच एज आपने देखा होगा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज हाइपरटेंशन जो है वो हो रहा है, शुगर यानी डायबिटीज जो है वो हमारे यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि अब हिंदुस्तान की जनता को, अर्बन इंडिया को आना होगा स्ट्रीट्स पर, उनको आना पड़ेगा रोड्स पर, उनको जो है अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, उनको एक्सरसाइज जो है चाहे साइकिलिंग हो चाहे रनिंग हो, इन चीजों को अपने जो है दिनचर्या में इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार जिस प्रकार के एक्शंस लेना चाह रही है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है अब डीजल और पेट्रोल इंजन से हटके ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ईवीज का अडॉप्शन जो है वो यहाँ पर करना होगा, राइट? तो ये सारी चीजों की यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपकी गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए, साथ ही साथ आपको और हमको भी स्टेप्स लेने चाहिए, एंड तब जाकर हम स्ट्रीट फाइट मोड पे आ पाएंगे। ठीक है, एंड जब स्ट्रीट फाइट मोड पे आएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो हेल्थ है उस पे अच्छा असर देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से ये पढ़ लेते हैं आर्टिकल को। तो यहां पर ये बोला जा रहा है दैट ऑलमोस्ट ऑल आर फेलिंग देयर इनहैबिटेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग हेल्थ एनवायरमेंट एंड इक्विटी टारगेट्स। ठीक है, अर्बन इंडिया की बात करें तो कह रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड हैं, बिकॉज हमारे यहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन है, हमारे यहाँ लिमिटेड ग्रीनरी है, हमारे यहाँ लैक ऑफ एक्सेस टू साइड वॉक्स है, यानी कि जो साइड वॉक्स बने होते हैं वो नहीं है, पार्क्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो हमारी हो नहीं पा रही है। नेक्स्ट आर्किक मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि और ज्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं, न्यूट्रिशनली डेंस अनहेल्दी फूड जो है वो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स और हैवी मेटल्स भी अर्बन पॉपुलेशन को देखने को मिलता है। इन सभी चीजों की वजह से अल्टीमेटली किस प्रकार के हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड हैं सर? हार्ट डिसीजेस हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती हैं, जिनको हम कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीजेस के नाम से जानते हैं, और ये क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि अगर अभी आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ इतने
गरबे जो है वो हो रहे थे, तो गरबे में ये पाया गया कि 10-11 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है गरबा करते करते। क्यों? क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है इतनी फिजिकल एक्टिविटी की, एंड जब एकदम से इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो आपका हार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है इस चीज से रिलेटेड। सो ऑफ ऑल द बिहेवियर्स वेल नोन टू मिटिगेट, फिजिकल एक्टिविटी इज बाय फार द मोस्ट इफेक्टिव डिटरेंट। बोले इतने सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप इन बीमारियों को हटा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस या इफेक्टिव कंसिडर किया गया है वो कौन सा है? वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कि आप जितना फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा जो है इस चीज को आप कर्ब कर पाओगे। सो ग्लोबली अगर बात की जाए तो कह रहे हैं 7 की फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम है, जो कि बात करते हैं फूड की, एनर्जी की, मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट की, हाउसिंग की, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी की और वेस्ट मैनेजमेंट की। कह रहे हैं ये जो है ये लाए करते हैं एक ह्यूमन हेल्थ, वेलबींग, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के कोर पे, कि हमको ये 7 चीजें जो है मेजरली इन पे फोकस करना है। बट इन सभी चीजों के साथ साथ हमको जो है ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इमिशंस जो हैं वो हमें प्री मेच्योर डेथ जो है वो कॉज कर रहे हैं, प्री मेच्योर डेथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहां पर आपको सिंस बताए गए। चलिए अब आ जाते हैं आगे। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट डबल और ट्रिपल ड्यूटी एक्शंस। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा इन क्लीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगर क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे हम जो है कार्य करते हैं तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है, एंड इमीडिएट एंड ड्रामेटिक इंपैक्ट जो है वो हमको एयर पोल्यूशन पे तो देखने को मिलेगा ही, एंड साथ ही साथ इंडिया के क्लाइमेट और इक्विटी गोल्स जो है हम वो भी मीट कर पाएंगे। तो एक तरह से इतने सारे जो है इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि स्टडीज ये बताती है कि अगर आप छोटा सा बदलाव भी लेकर आते हो तो वो छोटा सा बदलाव, यानी कि अगर आप मोबिलिटी में या फूड में या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें अगर आप छोटा सा भी बदलाव लेकर आओगे तो ये लार्ज कैटालिटिकल इफेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर देने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉक करने के लिए और बाइक करने के लिए, बाइकिंग करने के लिए अगर अच्छे लेन्स बना देते हैं, पेवमेंट्स बना देते हैं, फिर नो कार जोन्स बना देते हैं, तो ये ना केवल हमको हेल्प करेगा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जगह बनाने में, बट रादर जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है कि एक जगह बैठकर ही पूरे टाइम जो है वो काम किया जाता है, इसको भी ये कर्ब करने में मदद करेगा, और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन जैसी चीजों से होने वाली बीमारियों को भी ये कर्ब करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चल अब आते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इफेक्टिवली मदद करेगी और भी सारे अलग अलग इंपैक्ट्स को मिटिगेट करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिच कैलोरी डाइट लेते हो या सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हो बहुत ज्यादा, तो उनको भी यहाँ पर जो है मिटिगेट किया जा सकता है इनसे होने वाले नुकसानों को, अगर आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। डाइटरी इंजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कैलोरीज विदाउट एडिक्वेट फिजिकल एक्सपेंडिचर फ्यूल्स अ विशियस साइकिल ऑफ इंसुलिन स्पाइक। आपके शरीर में इंसुलिन का स्पाइक होगा, फैट का बहुत ज्यादा डिपोजिशन होगा, और ये सभी चीजें मिलके आपको ले जाएंगी कहां तक? हार्ट डिसीजेस तक। आई नो ये सब सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ना, इतना क्या बीमारी की बात हो रही है, बट इंडिया इज बिकमिंग अ हब फॉर, और रादर कैपिटल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज हार्ट अटैक्स एंड डायबिटीज। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब चूंकि हम सभी का जो है लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है, पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की इंप्रूव हुई है, अब चूंकि लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो बेसिक एक्सेस टू फूड है वो अब अच्छा है। अब लोग जो है ज्यादा कैलोरी रिच फूड खा पा रहे हैं, हेल्दी फूड खा पा रहे हैं, बट जब हम ये सब चीजें खा रहे हैं और इसका इंटेक कर रहे हैं और उसके बावजूद हम अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम जो एनर्जी गेन कर रहे हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं,
तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है शांति से एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। तो इन वजहों से जहां पर ज्यादा इनटेक ऑफ फूड है बट लेस फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, आर्काइक मोड मतलब समथिंग जो कि बहुत ओल्डर पैटर्न है, पुराने जमाने से ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है। ठीक है, चलो। सो वॉकिंग एंड बाइकिंग ऑन इंडियन रोड्स नॉट ओनली हजार्डस बट ऑल्सो नियरली इम्पॉसिबल। कह रहे हैं अगर आप इंडियन रोड्स पे वॉक करना चाहो या इंडियन रोड्स पे आप साइकिल चलाना चाहो तो ये खुद में ही बहुत ज्यादा हजार्डस तो है ही है बट इम्पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी साइडवेज बने हुए हैं उनमें या तो बिल्डिंग है या ह्यूमन वेस्ट जो है वो पड़ा हुआ है या व्हीकल्स पार्क्ड हैं या स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरा का पूरा इस एरिया को घेर के बैठे हुए हैं। इसीलिए अब हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि वी शुड फोकस अपॉन रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन और उसके एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट को भी सबसे पहले कम करें। फिर उसके बाद हमको क्या करना है सर? अनहेल्दी डाइट्स को टैप करना है, फिजिकल एक्टिविटी जो रिड्यूस्ड है इसको टैप करना है, और एयर पोल्यूशन जो सिटी में है इसको टैप करना है। क्योंकि ये तीनों ही चीजें मिलके क्या कर रही हैं? मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी यानी बीमार होने की जो आपकी चांसेस हैं और मोर्टैलिटी यानी कि आपकी डेथ रो जो है उसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को बढ़ाती हैं। और साथ ही साथ इसके साथ और भी ज्यादा एसोसिएटेड चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल टबेक्को, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल और एक्सीडेंट्स। ये सब अल्टीमेटली क्या करेंगे सर? हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को भी इंक्रीज करेंगे, ओबेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली हमको अनहेल्दी जो है ये बनाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब इसके बाद ये एक लास्ट आर्टिकल है जो कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। सो इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ बिग इज द जेंडर गैप इन अर्निंग्स। अगेन दिस इज बेसिकली फोकसिंग अपॉन व्हाट, किस चीज पे फोकस्ड है? ध्यान से देखो, क्लॉडिया गोल्डन जो नोबेल प्राइज अभी मिला है इकोनॉमिक्स पे, क्लॉडिया गोल्डन को, उसी पे ये भी पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। आप इसको एक बार ही डेटा को देखिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इशू बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जी, इसके बाद राहुल इंटरव्यूज, ये मैंने आपको बताया राहुल गांधी ने इंटरव्यू किया है सत्यपाल मलिक को, आस्क ही हैज आस्क्ड हिम अबाउट द पुलवामा एंड अडानी इशू। तो इन सभी चीजों पे जो वार्तालाप हुई है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, प्लीज इसको देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्रश्ड बाय इन्फ्लेशन, पीपल टेकिंग लोन्स टू मेक एंड्स मीट, ऐसा कांग्रेस का कहना है जयराम रमेश जी का। तो इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, इट इज बेसिकली महंगाई या फिर जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये जो है हमारे यहाँ मेजर किया जाता है बाय CPI एंड WPI। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। जी, नेक्स्ट SC क्वाशेस, सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश किया है डेथ पेनल्टी ओवर हरीड ट्रायल ऑफ द अक्यूज। तो ऐसा बोला गया है कि जो ट्रायल प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हुआ है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जो है वो नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम अभी सेट असाइड कर रहे हैं। देन इजराइल गाजा मस्ट रिज्यूम पीस टॉक्स, इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा है कि जो इजराइल है और गाजा है इनको अब बातचीत करनी चाहिए पीस टॉक की, पीस टॉक। ठीक है, चलो आते हैं आगे। सर यहाँ पर अगेन इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी इन नवंबर। तो प्लीज एक काम करिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़िएगा कि किस प्रकार से मोदी जी ने जो है वो इसको स्टार्ट करवाया था इंटरनेशनली, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है। मैं हिंट दे देता हूँ, जहां मैं रह रहा हूँ अभी वहां पर ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको हेडक्वार्टर्स दिखेगा। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। ठीक है, इन अ फर्स्ट आर्मी गेट्स वर्टिकल विंड टनल टू ट्रेन स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट फाइट रिलीज
रिपब्लिकन वीक्स जापान स्टॉप कोड रूल्स इन फेवर ट्रांसजेंडर पीपल। यस, इसको आप देख सकते हैं एक बारी कि जापान के जो टॉप कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वैसे वहां इन्होंने जो है फेवर में इन ट्रांसजेंडर पीपल कुछ कहा है। देखते हैं क्या बोला है। सो जापान का सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे रूल्ड दैट द लॉ रिक्वायरिंग ट्रांसजेंडर पीपल टू अंडरगो स्टेरिलाइजेशन सर्जरी इन ऑर्डर टू ऑफिशियली चेंज देयर जेंडर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी अगर आप अपना सेक्स जो है वो चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टेरिलाइजेशन सर्जरी करानी पड़ेगी। ठीक है। द डिसीजन बाय द टॉप कोर्ट 15 जज ग्रैंड बेंच वॉज इट्स फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ जापान 2003 लॉ रिक्वायरिंग द रिमूवल ऑफ सेक्स ऑर्गन्स फॉर स्टेट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड जेंडर चेंज। कि अगर आपको स्टेट रिकॉग्नाइज जेंडर चेंज करना है तो उसके लिए आपको सेक्स ऑर्गन जो है वो अपना रिमूव कराना पड़ेगा। द डिसीजन विच रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द लॉ इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अलाउइंग ट्रांसजेंडर पीपल टू चेंज देयर आइडेंटिटी इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विदाउट गेटिंग स्टेरिलाइज। कि अब जरूरी नहीं है कि आपको जो है स्टेरिलाइज कराया जाए। बट इट वॉज नॉट अ फुल विक्ट्री बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेंड द केस बैक टू द हाई कोर्ट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड फॉर जेंडर अफर्मेशन सर्जरी। कैसे इसको किया जा सकता है। अगेन दिस इज अ प्रोसेस, अभी इस पे भी बात की जाएगी। जी नेक्स्ट इज पल्सेस टू बक अप बक राइज इन खरीफ आउटपुट। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि खरीफ में जो है पल्सेस हमारे यहाँ चूंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डेफिनेटली जो है अल्टीमेटली हमें मदद करेगा। बस इतना काफी है सर। बाकी आपने देखे होगा कल जो मैक्सवेल है उन्होंने मात्र 40 गेंदों में 100 रन बनाए, गजब किया है कल। ठीक है चलिए, इसी के साथ अब आप लोगों को एक लास्ट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे जाने से पहले। दिशा दिल्ली नहीं है बच्चे, दिल्ली नहीं है जी। एंड दैट इंफॉर्मेशन इज यस, ये ऑफर जो आप सभी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है, अगर आप चाहते हो अनअकैडमी के साथ जुड़ना और अपनी तैयारी को एक बेटर डायरेक्शन देना तो आइकॉनिक एज वेल एज प्लस दोनों में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप 25% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं और 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन पा सकते हैं। तो अगर आप 2 मंथ्स यानी कि इस महीने और अगले महीने के लिए चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सिमिलरली प्लस का सब्सक्रिप्शन भी 2 मंथ्स का आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जिसकी मदद से आप सारे के सारे बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द कंट्री जो हैं उनसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाउएवर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा फीचर एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड का उपयोग करना होगा एंड दैट इज बार 5। जैसे ही आप बार 5 कोड लगाओगे आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी तैयारी को अच्छी विंग्स दो तो अभी जाइए और शुरू हो जाइए इस चीज के प्रति। इसके अलावा सर 29th of October को 4 बजे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आप सभी के लिए रखा जाएगा। जी हाँ, दिस विल बी अ फ्री मॉक टेस्ट। बाय दैट आई मीन कि आप सभी जो है इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का पैसा या एक्सपेंस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सर अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, लेट सपोज आप चाहते हो कि आपका क्लैट में सिलेक्शन हो जाए, आपका MHCET में हो जाए या ए-लिट में हो जाए या स्लैट में हो जाए या LSAT में हो जाए, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए अनअकैडमी एक बैच लेकर आया है जिसको एस लीगल बैच कहा जा रहा है। ये एस लीगल बिगिनर्स बैच जो है ये 2nd of October 2023 से शुरू हुआ है और बार 5 कोड का उपयोग करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ देर इज वन मोर बैच विच इज द लास्ट माइल बैच, बट ये किसके लिए है, ये 2024 के बच्चों के लिए, अभी 2024 के बच्चों के लिए। इसके अंतर्गत आप PYQs की मदद से क्लैट की तैयारी कर सकते हैं, PYQs की मदद से। अब जो ये क्लैट की तैयारी आप PYQs की मदद से कर रहे हैं, इसको करने के लिए आपको केवल और केवल बार 5 कोड का यूज करना होगा, जिसकी मदद से आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अब आपसे गुजारिश यही है कि जाइए और जितनी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, चाहे लीगल करंट अफेयर्स में, चाहे यहाँ पे, उन सभी चीजों को रिवाइज करिए।
जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।